नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले राम शर्मा जी का, दीपाली यादव जी, शिल्पी जी, उपदीप जी, नंदनी जी, कंचन लता जी, रिद्धिका जी, पूजा तिवारी जी, दिनेश जी, प्रांजल जी, दीपाली यादव जी, रुक्मणी जी, सुधीर कुमार पाल जी, नरेंद्र जी, निशा जी, खगेश जी, यशोदा नंदन जी, सुनीता जी, रंजना जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। कमेंट्स का जवाब मैं टाइम मिलते ही आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का, अभी थोड़ा सा टाइम मेरे पास व्यस्तता है, मैं जल्दी शेयर करती हूँ, आप उसी में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। कल हमने बात की थी सूरदास जी की, आज उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे नंददास जी की। आप लोगों को पता है पीजीटी की वैकेंसी अब आने वाली है, और 2013 का यदि पेपर की बात की जाए तो 2013 में जिसने भी पेपर दिया है और जिसका भी पेपर रुका है, उसका एकमात्र कारण यही था, जिसने भी रामचंद्र शुक्ल जी को थोड़ा गंभीरता से नहीं लिया, रामचंद्र शुक्ल जी ने उसी का हिसाब किताब कर दिया। समझ लीजिए सबसे ज़्यादा प्रश्न उस समय भी इसी पुस्तक से आए थे, तो एक बार इसको रीड करना तो बहुत जरूरी है ही। चलिए शुरू करते हैं। नंददास ये सूरदास के प्रायः समकालीन थे, और उनकी गणना अष्टछाप में है। ये इनकी उनकी, और कभी कभी इस तरह की अगर गलतियां, मैं गलत बोल जाऊं तो प्लीज ध्यान मतलब बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अवॉइड करिएगा, या तो फैक्ट में अगर कहीं गलती हो तो मुझे जरूर से बताइएगा, ठीक है। मेरी फैक्ट में मोस्टली गलती नहीं होती है। सूरदास जी प्रायः नंददास जी, ये प्रायः सूरदास जी के समकालीन थे, और उनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे, जहां पे भी रामचंद्र शुक्ल जी ने के पीछे एक शब्द का प्रयोग किया है, मतलब बाद में, है ना, बाद की बात की है। सूरदास जी की मृत्यु के बाद संवत 1625 में या उसके और आगे तक माना जा सकता है। किसका? नंददास जी का। इनका जीवन वृत्त पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता है। नाभादास जी के भक्तमाल में इन पर जो छप्पे हैं उसमें जीवन के संबंध में इतना ही दिया है। क्या छप्पे है? चंद्रहास अग्रज सुदय परम प्रेम पथ में पगे, ठीक है, चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पद में पगे, ये ध्यान रखिएगा। किसके बारे में है ये पंक्ति? नंददास जी के बारे में है, ठीक है। और कहाँ दी गई है? भक्तमाल में। लिखने वाले हैं नाभादास जी, पूछा जाता है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था, और इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विट्ठल दास जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से 252 वैष्णवों की वार्ता लिखी गई, उसमें इनका थोड़ा सा व्रत दिया गया है। किसमें? 252 वैष्णवों की वार्ता में। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं, ठीक है, तुलसीदास जी के भाई नंद किसमें कहे गए हैं? 252 वैष्णवों की वार्ता में नंददास जी को तुलसीदास जी का भाई कहा गया है। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से है, यह पूरी वार्ता पढ़ने पर से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा। समझे? मतलब नंददास जी राम भक्त तुलसीदास जी के ही भाई थे, उनका कृष्णोपासक होना तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। उलाहना मतलब शिकायत लिखकर भेजी, यह वाक्य भी उसमें आया है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है, सो हम श्रीमद भागवत भाषा करें, ठीक है। ये किसके मन में आया? ये नंददास जी के मन में आया। गोस्वामी जी का नंददास जी के साथ वृंदावन जाना
और वहां तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लेव हाथ वाली घटना उक्त वार्ता में ही लिखी है, पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध ना था यह बात पूर्णता सिद्ध हो चुकी है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, लेकिन अब ये बात पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का नंददास जी से कोई भी संबंध नहीं था। अतः उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों को गौरव प्रचलित करने के लिए वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा करने के लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण की कोटि में नहीं ले सकते, प्रक्षिप्त है, जिस इन सब तथ्यों को बाद में उसमें डाल दिया गया है। वास्तव में तुलसीदास जी का नंददास जी से कोई भी संबंध नहीं था, ये कहना है रामचंद्र शुक्ल जी का। अभी मुझसे किसी ने कहा था कि मैम इसमें थोड़ा सा और किताबों को मतलब जैसे कंपैरिजन तुलनात्मक बता दें तो तुलनात्मक अध्ययन में थोड़ा सा समस्या आ जाएगी। अभी आप इसको पढ़िए, फिर मैं आगे आपको और भी बुक्स को करा दूंगी, क्योंकि इसके बाद अगर किसी से पूछा जाता है तो बच्चन जी की किताब से पूछा जाता है। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ। उसी वार्ता में ये लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खत्रानी पर आसक्त हो गए। वो ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। कौन? नंददास। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहां भी वे जा पहुंचे। अंत में वहीं पर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। ठीक है, इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलदास जी से शिक्षा ली थी। ध्रुवदास जी यानी ध्रुवदास जी ने अपने भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पर शुक्ल जी ने बताया है कि किस तरह से तथ्य लिखे गए जो प्रारंभिक स्थिति में सत्य प्रतीत होते थे, लेकिन यदि उनको बारीकी से देखा जाए तो ये बाद में प्रक्षेपित ही सिद्ध हुए। और कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं कि जिनमें कुछ तथ्य है पर अधिकतर बातें उसमें अपने मन से लिख दी गई हैं। अष्ट छाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। मतलब अगर सूरदास जी के बाद किसी का स्थान आता है तो वो नंददास जी का ही आता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है जो रोला छंदों में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। ठीक है, रास पंचाध्यायी में क्या वर्णन है? कृष्ण की लीला का अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार से वर्णन है। ये पंक्ति देके कूट में पूछी जा सकती है, आप इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का कहीं अधिक आश्रय लिया है अनुप्रास, और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, है ना? उन्होंने संस्कृत की तरफ या अनुप्रास और इस तरह के चीजों की तरफ बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं दिखाई है। उन्होंने उस समय समकालीन में जो भाषा चलती थी, स्वाभाविक थी, जो लोगों को आसानी से समझ में आ सकती थी, उसी को लिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो बातें थे वो साधारण लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे। पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। सूरदास जी ने जहाँ स्वाभाविक चलती भाषा का प्रयोग किया, वहीं नंददास जी ने इन संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर अपनी प्रवृत्ति दिखाई। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। रास पंचाध्यायी के अलावा नंददास जी की अन्य पुस्तकें हैं भगवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला जो एक कोष है। नाम से पता चल रहा है, देखिए अनेक अर्थ है ना, जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, इस टाइप का कोष। दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी,
अनेकार्थ नाम से इन्होंने दो लिखी, अनेकार्थ नाम माला और अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित्र। दो ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण, जो गद्य में है। नासिकेत पुराण गद्य में है। 200 के ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं। जहां तक ज्ञात है कि इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं, ठीक है, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। इसमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध हैं और उन्हीं के कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। तो अब रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, लेकिन इन सारी पुस्तकों को भी एक बार ही आपको दिमाग में बंद कर मतलब रखना है दिमाग में। कई बार इस तरह का प्रश्न इस तरह इसमें पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक नंददास जी की नहीं है, तो इस तरह के प्रश्नों में आप भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। रास पंचाध्यायी से इन्होंने देखिए बहुत सारे हैं, ताहि छिन अडुराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जन नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो वन व्यापी रही यूं, मनसिज खेल्यो फाग घुमड़ी घूरी रहो गुलाल जो, फटिक छटासी किरण कुंज राधन सब जब आई, मानो बीतत बितान सुदेश तनाव तनाई, तब लीनो कर कमल योग माला सी मुरली, अघटित घटना अतुर बहुर अधरारण अधारण सुर जुरली। ये था इनका रास पंचाध्याय से। अब देखिए भ्रमर गीत से, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो। ये लाइन आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखिएगा, भ्रमर गीत से है, ठीक है। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत हूं अवसर नहीं पायो। ये किसका है? नंददास जी की पंक्तियां हैं। आगे क्या कहते हैं, सोचत ही मन में रहो कब पाऊं एक ठाऊं, कहीं संदेश नंदलाल को बहुर मत पूरी जाऊं, सुनो ब्रजनागरी जो उनके गुण होए वेद क्यों नित बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुच ऊपर पुन सुख साने, वेद पुराणन खोज के पायो कतुक ना एक, गुन ही के गुण हो ही तुम कहूं आकाश ही टेक, सुनो ब्रजनागरी। इस तरह से इन्होंने टेक पे लिखा है, सुनो ब्रजनागरी जो उनके गुण नाही और गुण भय कहाँ ते, बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ ते, वाग उनकी पर छाहरी माया दर्पण बीच, गुनते गुन न्यारे भय अमलवारी जल कीच, सखा सुन श्याम के। चलिए कृष्णदास जी को भी देख लेते हैं। अभी हमने देखे सूरदास जी, नंददास जी, अब बात करते हैं कृष्णदास जी की। कृष्णदास जी भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे, ये भी वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य थे, सूरदास जी, नंददास जी और कृष्णदास जी। यद्यपि ये शूद्र थे पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे, ये चीज याद रखिएगा। मंदिर के प्रधान मुखिया थे कृष्णदास जी, ठीक है। 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है, ज्यादातर जो इनके बारे में पता चला है वो 84 वैष्णवन की वार्ता से ही पता चला है, ठीक है। एक बार गोसाई विट्ठल नाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इस पर गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात पे बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। मतलब इनसे किसी बात पे झंझट हुई होगी तो विट्ठल दास जी ने के लिए उन्होंने अपनी ढ्योड़ी बंद कर दिया। इस पर जब ये बात पता चला बीरबल को तो उन्होंने क्या किया, इनको कैद कर लिया। लेकिन विट्ठल नाथ जी ने इनको दोबारा से
शिष्य तो ये वल्लभाचार्य जी के थे, लेकिन ये घटना विट्ठल दास जी के साथ, नाथ जी के साथ हुई है, याद करिए, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने दोबारा मुक्त कराया और फिर से इनको ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्णों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार के ही पद गाए हैं। जुगलमान चरित्र नाम का एक छोटा सा ग्रंथ, इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए दो ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है, जिसके इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। मतलब सूरदास जी के और नंददास जी से अगर तुलनात्मक देखा जाए तो इनकी थोड़ी साधारण कोटि की कविता ठहरती है। तरणी तनिया तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देखो आनंद को कंदवा, नुपुर पद कुनित पीतांबर कटि बांधो, लाल उपरना सिर मोरवा के चंदवा, कंचन मनि मकरत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधि विराजति गोपी। देख लीजिएगा, पद पूछे जा सकते हैं इनके। मनोह विधाता गिरधर पिय हित सुरत ध्वजा सुखरोपी, बदन कांति कै सुनरी भामिनी सगन श्री चंद श्री लोपी, प्राणनाथ के चित्त चोरन को भौह भुजंगम कोपी, कृष्णदास स्वामी बन कीन है प्रेम पुंज की को चोपी। मोमन गिरधर की ये वाला देखिए, ये पंक्ति पूछ ली जाती है अक्सर, ठीक है, ये वाली ध्यान दीजिएगा। मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चल के चिंबुक चारी गड़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन हवे फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर यह तन जग सिर पटक्यो। ठीक है, कहते हैं इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने अपना शरीर अपने शरीर छोड़ा था। ठीक है, ये जो बात हुई है ना, ये अभी जो आपको पद मैंने सुनाया कृष्णदास की ये प्राण निछावर, इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल 1600 के आगे पीछे, मतलब 1600 से थोड़ा आगे या पीछे माना जाता है। चलिए परमानंद दास जी को भी देख लेते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य आज पूरे हो जाएंगे। सूरदास जी हो चुके हैं, नंददास जी और कृष्णदास जी, अभी परमानंद दास जी, ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे, संवत 1606 के आसपास। इनका निवास स्थान कन्नौज है ना, इन्हीं इसी से ये कान्यकुब्ज अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक तन बदन की सुध-बुध भूले रहे थे, है ना। इनके एक पद को सुनकर जो आचार्य जी थे वो कई दिनों तक अपनी सुध-बुध ही भूल गए थे। इनके जो फुटकल पद हैं कृष्ण भक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में हैं। दो पद देखिए, 835 पद हैं। इनकी जो रचना ग्रंथ है, जो रचना है वो है परमानंद सागर, नाम से याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहाँ करो बैकुंठ जाई, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय, नहीं जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाया, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रजरत तज मेरी चाय बलाए। ठीक है, ये किसकी है, परमानंद दास जी की है पंक्तियाँ। राधो जो हरा बली टूटी, उरज कमल दल माल मरग जी बाम कपोल अलक लट टू छूटी, बर उरज करज बिच अंकित बाहु जुगल बै यावली फूटी, किंचुक चीर विविधा रंग रंजित गिरधार अधार माधुरी खूटी, आलस बलित नैन अनियारे अरुण उनीदे रजनी खूटी, परमानंद प्रभु सुरति समय रस मदन रपति की सेना लूटी।
ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि अष्टछाप में चार कवि हमने जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे वो आज की वीडियो में कर लिए हैं, बाकी जो विट्ठलदास जी के चार शिष्य थे उनको मैं अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, साथ बनाए रखिएगा। और मैं अभी आपको बता दूं कि ये बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मैडम आपके जो वीडियोस हैं वो क्रम से नहीं मिल पा रहे हैं, समस्या हो रही है। तो मैंने अभी एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, उस पर मैं इनको लगातार सीरियल से डाल दूंगी। और रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से जो भी मुझे प्रश्न पूछने होंगे वो भी मैं उसी ग्रुप पर पूछूंगी, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अभी उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। साथ बनाए रखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक के बटन दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और कमेंट्स देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।